नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड। ये स्टॉक 62.80 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में इसने 2.54% का 2.5% का इसने डाउन मूव दिया है। आज मार्केट कैप है इसकी 7,193 करोड़ की। प्रमोटर होल्डिंग 57.20% है। बुक वैल्यू 3.59 है। डिविडेंड यील्ड 0.16% है एंड फेस वैल्यू 1 है। फंडामेंटल वीडियो में ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। अभी के लिए देखें तो स्टॉक 50 एंड 200 दोनों डे में से ऊपर ट्रेड करें, जो कि एक अच्छी बात है। पी रेशियो मीडियम से छोटी सी ऊपर है, 90 भी आ चुकी है इसकी पी रेशियो। अगेन एक पॉजिटिव पॉइंट है, थोड़ी सी रिकवर हो गई है। सेल्स एंड मार्जिन में ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ने डाइव डाउन किया है एंड सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हुई है। अभी के लिए चलते हैं इसके चार्ट पे। चार्ट पे देखिए, हमने लास्ट टाइम जब एनालिसिस करी तो हमने बात करी थी कि इसको ये रेजिस्टेंस अब स्ट्रांगली फेस करनी पड़ेगी, जो कि है 65.40 की एंड इसके नीचे ये ट्रेड कर रहा था। एंड मार्केट भी थोड़ी चौपी थी, उम्मीद थी कि रिकवरी करेगी मार्केट आज, बट नहीं किया मार्केट ने रिकवरी। एंड इसका जो दूसरा स्ट्रांग सपोर्ट था 63 का, उसको इसने ब्रेक कर दिया था, आज नीचे चला गया था एंड बिल्कुल उसके ऊपर ही कहीं ना कहीं इसने क्लोजिंग दी है। क्लोजिंग है इसकी 62.85 की, तो बिल्कुल ऊपर उसके क्लोजिंग में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमेशा मैंने बात करी है कि एक रेंज होती है जो कि रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की। इसको थोड़ा सा जूम करके अगर हम इसकी रेंज को थोड़ा सा अगर करेक्ट करें तो अगर देखा जाए तो बिल्कुल हमने जो लाइन लगाई है उसके ऊपर ही है, तो हमारी लाइन भी कहीं ना कहीं यहाँ पे 62.85 की ही लाइन है। अगर इसको आप चेक करें तो 62.85 की ही लाइन है एंड वहीं पर कहीं ना कहीं इसने क्लोजिंग दी है। तो अभी के लिए अगर हम फ्रेश एंट्री एंड इसकी बात करें तो एक बार बीएससी पे चलते हैं। उससे पहले बीएससी पे इसका प्राइस बैंड जो है 20% का है एंड न्यूज़ एज सच कोई भी नहीं है। ये 4th को आई थी कि न्यूज़पेपर पब्लिकेशन है इनके रिजल्ट की, उसके बाद कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है। एंड इसका डिलीवरी वॉल्यूम की बात करें तो 23.79 है एंड वॉल्यूम आज ठीक ठाक आया है, इतना कोई गलत नहीं आया है। बट ऑफकोर्स यहाँ से डिक्रीज ज़रूर हुआ है, वॉल्यूम आज आया है 9.20 मिलियन का, तो काफ़ी कम आया है वैसे एज कम्पेयर टू अदर डेज। तो ये भी एक थोड़ा सा देखने वाली बात है एंड अगर थोड़ा सा ये और हमें डाउन मूव देता है तो हो सकता है हम डेथ क्रॉस के आसपास भी आते हुए दिखाई दें। वैसे भी काफ़ी डिफरेंस है उसमें, तो एक बार कोई और इंडिकेटर लगा के देखते हैं। जस्ट अ सेकेंड, पहले इसको क्लोज कर लें। एक इंडिकेटर ये डबल लगा है, इसको भी क्लोज कर लेते हैं। तो अभी के लिए हम बोलिंजर बैंड एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। तो अभी के लिए बोलिंजर बैंड के ये जो इसकी चल रहा है, इसमें होती है एक 20 SMA, 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज होता है, उससे ऊपर है स्टॉक, तो अभी कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं। अगर इसे नीचे जाता है स्टॉक तो हमें दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये जब इसको नीचे से कट करे तब भी बहुत अच्छी बात होती है, ऊपर से कट करे तो थोड़े से ये जस्ट दिस बिहेव लाइक जस्ट डेथ क्रॉस की तरह ही बिहेव करता है ये, तो वो भी एक चीज होती है। RSI को देखें तो RSI अभी 55.83 पे है एंड RSI को फिर से ये रेंज शिफ्ट का वो देखना पड़ेगा। लास्ट टाइम भी इसके आसपास RSI थी एंड फिर हमें मिला था काफी अच्छा मूव, और 20% के आसपास का मूव मिला था। तो लेट्स सी कि अभी क्या होता है। अभी मार्केट में देखिए, फ्राइडे को भी काफी चौपी थी मार्केट एंड आज भी काफी ज्यादा चौपी रही है मार्केट। ये जो टारगेट है हम थोड़े लंबे लेके चले थे, 15 मई के तक के टारगेट थे, उसमें अब ऐड हो गया है 2.48% और, एंड इस टारगेट को रीच करने के लिए हमें 16% के आसपास की जरूरत है। एंड ये टारगेट हम क्यों लेके चले थे इतने लंबे, क्योंकि ये मंथ हर एक स्टॉक की एनालिसिस में ये बोल रही हूँ कि ये मंथ ना बहुत काफी वो रहने वाला है, वॉलीटेलिटी भरा, क्योंकि इस मंथ में इलेक्शंस हैं, एग्जिट पोल्स आने हैं एंड पोलिंग है एंड इलेक्शंस के टाइम आपको पता ही है कि तरह तरह की न्यूज आती है, तो उसकी वजह से थोड़े से वॉलीटेलिटी हमें जरूर देखने को मिलेगी। एंड निफ्टी ने आज काफी ज्यादा वैसी वाली परफॉर्मेंस दी है, थोड़ी वॉलीटेलिटी है बेसिकली निफ्टी में, हमें मोमेंटम नहीं मिल पा रहा है। फ्राइडे को जब स्टॉक की एनालिसिस करी थी तब भी हमने बात करी थी कि एंट्री पॉइंट को, अगर एंट्री पॉइंट से बात करें कि फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए, ट्रेडिंग व्यू पे बाई का तो आया है बट मुझे लगता है कि एक बार हमें रिवर्सल मिले, पहले हम इस रिवर्सल की उम्मीद कर रहे थे कि इससे ऊपर चला जाए या इससे ऊपर चला जाए तो हम एंट्री बना सकते हैं, 65.70 के ऊपर चला जाए तो एंट्री बना सकते हैं। बट अब मुझे लगता है कि इसके ऊपर अगर चला गया 64.70 के,
तब भी मुझे लगता है हमारा एंट्री पॉइंट खुलता है। तो अभी के लिए आज काफी नीचे गया था, बट इसने रिवर्सल लिया है एंड इसने अपनी वो जो होल्ड है वो स्ट्रांगली यहाँ पे बनाया हुआ है। बट यू नेवर नो, क्योंकि ये एक बार इसको तोड़ चुका है तो हो सकता है फिर से भी तोड़ दे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी उसके लिए। एंड हमने ये भी बात करी थी कि बीच में इसका एक स्पॉट आता है जहां से ये फिर से रिवर्सल ले सकता है, वो 61 का था, उससे उसके पहले ही ये रिवर्सल लेके गया है। बट अगर इस स्पॉट को ये तोड़ता है तो मुझे लगता है कि इससे नीचे हम स्टॉक को देख सकते हैं और वहां से होगा 59 के आसपास से इसका फिर रिवर्सल होगा, क्योंकि ये वाला स्ट्रांग रहेगा। एक हमें यहाँ पे भी मिलता है 60 के ऊपर भी मिलता है, बट ये कुछ ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, एक बार मैं लाइन क्रिएट कर ही देती हूँ। तो यहाँ पे भी हमें कहीं ना कहीं मिलता है एक छोटा सा सपोर्ट, बट ये उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर इस सपोर्ट को ये ब्रेक कर सकता है तो इसको ब्रेक करना भी बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो उसके बाद मुझे जो स्ट्रांग लगता है वो ये लगता है 59.30 के आसपास का, तो ये स्ट्रांगली यहाँ पे बिहेव कर सकता है। उसके बाद तो हमारे पास 3-4 स्ट्रांग सपोर्ट है, बट ये वाला बहुत स्ट्रांग है। अगर यहाँ से रिवर्सल मिल जाता है हमें तो बहुत अच्छी बात रहेगी, अगर हमें कल रिवर्सल नहीं मिलता है और नीचे और टूटता है स्टॉक तो हमें थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है ऑफ कोर्स। यहाँ पे एक और हम इंडिकेटर लगा के यहाँ पे देख लेते हैं, वो है जस्ट सेकेंड, ये पैराबोलिक SAR। तो अभी ये इसको रीड नहीं कर रहा है, अभी जस्ट सेकेंड, मे बी इट विल टेक टाइम। हाँ जी, तो देखिए यहाँ पे मैंने हमेशा बात करी कि जब ये नीचे होता है तो इसका मतलब होता है स्टॉक ऊपर जाएगा, एंड जब ये ऊपर होता है इसका मतलब होता है स्टॉक नीचे जाएगा। हालांकि यहाँ पे हमारे पास इंडिकेटर जो है, जो भी इंडिकेटर होते हैं वो हमें ऑफकोर्स एनालिसिस में हेल्प जरूर करते हैं, पर लैगिंग होते हैं सारे, कोई भी रियल टाइम इंडिकेटर तो हमारे पास ऑफकोर्स नहीं है। बट यहाँ पे जब ये नीचे से ऊपर का कर रहा था तो मुझे वैसे इस इंडिकेटर पे मुझे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा ना, थोड़ा नहीं काफी ज्यादा लैगिंग है। तो अभी हो सकता है कि कल इसका रिवर्सल मिल जाए तो ये नीचे डॉट बना दे। तो अभी के लिए जब ये नीचे से दिखा रहा था ऊपर को तो ठीक है यहाँ तक, क्योंकि यहाँ से अगर ये यहाँ पे दिखा देता ऊपर से नीचे तो मुझे लगता है ठीक है, तो 3-4 दिन ये लैगिंग इंडिकेटर ही चल रहा है तो इसके ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं है। बट ये जरूर बात है कि इसने अब ऊपर डॉट बनाया है, इसका मतलब स्टॉक नीचे जाएगा, ये जरूर बात है। क्योंकि ये जब जब इसने किया है, देखिए यहाँ पे इसने किया था तो ये स्टॉक नीचे गया था, यहाँ पे इसने किया था लैगिंग जरूर है, फिर ये स्टॉक नीचे गया, बट यहाँ पे ऊपर चला गया और फिर इसने ये ऊपर ही बनाता रहा, तो लैगिंग जरूर है। बहुत ज्यादा भरोसा सिर्फ इस पे करके नहीं चल सकते, बट ये जरूर बात है कि थोड़ा सा एनालिसिस में करता है हेल्प। यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा कि किसी भी तरीके की हेल्प कर रहा है, ठीक है। एक बार हम रेंज का, वैसे तो मुझे लगता नहीं है कि रेंज का कुछ बनेगा अभी, बट रेंज का फिर भी हम लगा के देख लेते हैं। तो अभी के लिए रेंज का कुछ बन नहीं रहा है, पुरानी ही रेंज है हमारे पास, क्योंकि कहीं ना कहीं अपर ट्रेंड में है ये, तो उसका चार्ट बना हुआ है, तो मुझे लगता नहीं है कि अभी कुछ होगा। बट ये जरूर बात है कि ये हमारा यहाँ पे जो हमारा ट्रेंड था उस ट्रेंड को जरूर ये ब्रेक कर चुका है, एंड अब हमें थोड़ा सा दिक्कत का ऑफ कोर्स सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे इसका जो ट्रेंड है, इस ट्रेंड में आने के लिए फिर से इसको बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी, तो ये भी एक देखने की बात है। यहाँ पे वैसे अगर हम देखें तो एक और ट्रेंड जरूर बनने की कोशिश कर रहा है, एक बार ट्राई कर लेते हैं इसको लगाने की, जस्ट सेकेंड, देखते हैं अभी फॉर्म होता है ट्रेंड की नहीं होता है। ओके, एंड इसको करेंगे हम यहाँ से क्लोन। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये ट्रेंड बनाने की कोशिश तो कर रहा है, बट उतना क्लियरली अभी बना नहीं है। यहाँ पे टच हुई है लाइन, यहाँ पे टच हुई है, तो हो सकता है यहाँ से हमें रिवर्सल मिले। इसकी चेंज कर देते हैं हम कलर थोड़ा सा, सो दैट हमें ईजी हो समझने में। जस्ट सेकेंड, उसका भी ब्लू है तो इसका कर लेते हैं, कौन सा कलर करें। ओके, तो इसका हम कर लेते हैं ग्रीन, ये ग्रीन कर दिया, एंड इसका भी ग्रीन कर लेते हैं। तो ये देखिए ये वाला है, ये ट्रेंड बनाने की इसने कोशिश तो करी है, थोड़ा सा बड़ी सारी लाइंस बनी हुई है यहाँ पे, थोड़ा सा दिक्कत होएगी समझने में, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे ये ट्रेंड तो बन रहा है, हो सकता है यहाँ से हमें रिवर्सल मिले, यहाँ से भी हमें रिवर्सल मिला था, फिर यहाँ नीचे आया था, तो इसके बाद भी थोड़ा सा बाहर जाने के बाद फिर से हमें रिवर्सल मिला है। यहाँ पे मैंने बात करी थी कि हमें स्पिनिंग टॉप मिला है, एंड स्पिनिंग टॉप मिलने के बाद सेकंड मे को यूजली होता है कि रिवर्सल का जो ट्रेंड होता है उसका रिवर्सल होता है। तो ये ऊपर जा रही थी मार्केट, तो उम्मीद थी कि नीचे भी जा सकता है, एंड वैसे भी ये हमारा ट्रेंड था जो हमारे ये पुराना ट्रेंड बनाया था, ट्रेंड लाइन बनाई थी, तो उसके अंदर से हो सकता था कि इसको मिले ही मिले थोड़ा सा हमें।
तो अभी के लिए अगर ये दो ट्रेंड लाइन मैंने बनाई है, ऊपर जो पुराना ट्रेंड लाइन है उसको तो ये ब्रेक कर चुका है, बट जो नया हमने ट्रेंड लाइन बनाई है अब ट्रेंड का, तो उसके अंदर ही है एंड हो सकता है यहाँ से रिवर्सल लेके गया है उसके अकॉर्डिंग, तो हो सकता है कि यहाँ से हमें रिवर्सल मिले। बट लेट्स सी, मार्केट अगर साथ देती है तो ठीक है, अगर नहीं देती है तो मुझे लगता है कि चमत्कार तो फिर बहुत ज्यादा वॉल्यूम के साथ ही हो सकता है, वॉल्यूम के बिना तो नहीं हो सकता है। तो लेट्स सी अब कब तक ये होता है। एंड फ्रेश एंट्री की बात करूं तो मुझे लगता नहीं है यहाँ पे फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए, थोड़ा सा रिवर्सल मिले तब बना सकते हैं। ये टारगेट जो है हम लेके चले हुए हैं लंबे थोड़े से, ये बेसिकली हम 15 मई के, नहीं आई थिंक मंथ एंड के ही टारगेट लेके चले थे, आई एम सो सॉरी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई। 15 मई के नहीं, मंथ एंड के ही टारगेट लेके चले थे हम। एंड मुझे लगता है कि इस मंथ में, जैसे कि मैंने पहले बोला कि वॉलेटिलिटी हमें जरूर देखने को मिलेगी, मोमेंटम नहीं मिलेगा, इलेक्शंस वाला टाइम है, बहुत सारे इमोशंस रहेंगे, तो उस चीज को ध्यान में रखें। एंड स्टॉप लॉस मुझे लगता है बिल्कुल मेजर शॉर्ट टर्म के एंट्री के लिए, मुझे लगता है 60 से नीचे अगर ये जाता है तो मुझे लगता है कि हमें स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। बट एक और चीज ध्यान में देने वाली है कि ये आपके एपेटाइट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप स्टॉप लॉस लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते। अभी भी मुझे लगता है कि ये लॉन्गर रन के लिए काफी अच्छा स्टॉक है, फ्यूचर इसका काफी अच्छा है, तो लॉन्गर रन के लिए अगर आप बने हैं तो मुझे लगता है छोटे मोटे हिकअप से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंड अगर 60 से नीचे आता है स्टॉप लॉस अगर हम लेते हैं, उसके बाद काफी अच्छे हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलते हैं, तो हो सकता है कि 57 तक भी ये जाए और उसके बाद रिवर्सल ले जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। 57 तक जाने का मतलब है, एक बार प्राइस रेंज लगा के देख लेते हैं हम, 57 तक जाने का मतलब है कि ये और 8, 8.5-9% के आसपास गिरेगा, तो उसके बाद हमें रिवर्सल मिलेगा। तो अपने एपेटाइट के अकॉर्डिंग ही स्टॉप लॉस लीजिएगा, एंड अपने एपेटाइट के अकॉर्डिंग, क्योंकि सबका डिफरेंट होता है इसका एपेटाइट स्टॉप लॉस लेने का, एंड कितने वो डाउन जाके कितना वो टॉलरेट कर सकते हैं एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो ये मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन है, आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।